हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा था और फिर भी मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। ये वीडियो में कुछ ऐसी कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी मुझे और मैं चाहता था कि इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों से शेयर करूँ। तो जैसा कि आपको टाइटल पता है, तो इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप इमेज फाइल में से कोई भी टेक्स्ट जो भी है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिजिटली। ये हैंड रिटन नोट्स होगी तब भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई स्कैंड इमेज डॉक्यूमेंट होगी तब भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज कुल एक मेथड नहीं, तीन मेथड बताने वाला हूँ और तीनों मेथड 100% आपके लिए काम करेगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी मेथड आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप जरूर वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये क्लिकबेट है, लेकिन मेरा 100% आपको एश्योरेंस है कि कोई क्लिकबेट नहीं है इसमें। ओके, सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी यार मेरा मत जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर सर्च करना है कीप। ओके, ये गूगल के प्रोडक्ट है तो आपको नीचे ध्यान में रखना होगा कि गूगल LLC लिखा होना चाहिए। तो गूगल की प्रोडक्ट है कीप, उसे क्या करना है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है। मैं अब इसे क्या करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर नोट्स ओपन हो गया है। तो आपको अगर नई नोट लेनी है तो नीचे आपको टेक अ नोट ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर इमेज ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस दबाइए और चूज इमेज फाइल। अब मैं पहले इंग्लिश जो भी है स्कैन कॉपी उससे स्टार्ट करता हूँ। अब हम ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अगेन इंटरनेट यूज करता है इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होता है, ये आपकी फाइल आ गई। अब इसे क्लिक करना है एक बार, यहाँ पर टॉप में 3 डॉट्स है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ग्रैब इमेज टेक्स्ट करना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इमेज को ग्रैब करने में। अगर आपकी फ़ाइल बड़ी होगी तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर फाइल छोटी है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो भी इमेज से टेक्स्ट कन्वर्जन होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, नाउ हमारी इमेज जो है ये कॉपी हो गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने कॉपी किया है और अरेंज कर दिया है। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। मेक अ कॉपी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं कि अदर इमेज फाइल भी हो पाती है नहीं। तो टेक अ नोट में फिर जाते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं और चूज इमेज में जाके हम कौन सी इमेज सेलेक्ट करते हैं। अब इस पर इंग्लिश करते हैं हैंड रिटन नोट्स, ये आ गई हैंड रिटन नोट। अब हम क्या करते हैं, इसे क्लिक करते हैं यहाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से इमेज कॉपी हो गया। अगर पहली बार अगर इमेज कॉपी नहीं होता है और आंसर आता है कि कुडंट रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट, तो आप इसे दोबारा ट्राई कर सकते हैं और 100% दोबारा में ये ग्रैब कर लेता है। इसमें मैक्सिमम जो टेक्स्ट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रैब हुआ, वही टेक्स्ट ग्रैब नहीं हो पाया जिसमें प्लस माइनस इक्वल टू का साइन रहता है, तो वो उसमें समझने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बेहतर है हमारे लिए। अब उसी तरह हम इसे इमेज फाइल एक और इमेज लेते हैं और वो होगा हिंदी का हैंड रिटन नोट्स, तो उसे देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज ग्रैब हो गया है। तो इसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट जो कॉपी हो गई, जो कि मैंने नीचे पेपर रखा था वो भी कॉपी हो गई है, तो आप उसे इग्नोर करिए। जो भी हिंदी वाला वर्ड है वो काफ़ी अच्छे से ग्रैब हो गया। और गूगल की यही बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि गूगल जो है ना मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और इंडिया में तो काफ़ी अच्छे से डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छे से कन्वर्जन हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है गूगल की। तो इस मेथड में आपको डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा, वहां पर आप अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लें। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपको जो भी इमेज है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, उसे अपलोड कर दें। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं, या यहां पर एड न्यू करके यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आता है तो कर लें। ठीक है, एक बार फाइल अपलोड हो गई है तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इस फाइल को ओपन विथ करना है। राइट क्लिक करिए, जैसे इस फाइल को सिलेक्ट किया मैंने, इसे राइट क्लिक किया, ओपन विथ का ऑप्शन आया, यहाँ पर आपको गूगल डॉक्स सेलेक्ट करना है।
तो वो जो आपकी फाइल है ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्स में ओपन होगी। गूगल डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली इमेज में जो फाइल रहेगी आपकी, जो भी टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उस टेक्स्ट फॉर्म में, जो कि एडिटेबल होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट उसने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है, सारे चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया जा सकते हैं। अब आप इसमें जो आपको लगता है सही है और जो गलत है वो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेलिंग वगैरह की भी एरर्स वगैरह दिखा देता है। तो ये थी इंग्लिश हैंड राइटिंग की। तो हम एक बार देखते हैं कि हिंदी हैंड राइटिंग में कैसा ये काम करता है। अगेन इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड ओपन विद गूगल डॉक्स करते हैं। तो नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल जो है काफ़ी हद तक हिंदी में कन्वर्ट हो गई है। तो कंपेयर करने पर आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें गलत है ऑब्वियसली। अगर आप उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे तब 100% ये करेक्ट कर देता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती है, और जैसे कि आप मेरी हैंड राइटिंग देख ही सकते हो हिंदी की कैसी गंदी हैंड राइटिंग है, अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हो तो माशाल्लाह ये गूगल जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट को तो बहुत आसानी से वो कन्वर्ट करता है। अगेन इसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पर टेस्ट करके कैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ऑलमोस्ट टेक्स्ट बहुत अच्छे तरह से करेक्टली यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ी बहुत इसमें एरर्स है क्योंकि ये कटिंग जो मैंने पेपर के लिए की, इसमें आधे कटिंग्स कुछ और है, आधे कुछ और है, तो इसमें एरर हो गया। अगर आप करेक्टली एकदम एक लाइन में लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर डालते हैं इमेज, तो यहाँ पर करेक्टली बहुत आएगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ट्राई करके देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप इस वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर पेन टू प्रिंट एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। ना उसे आप ओपन करिए, ओपन करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप इस प्लस आइकन में दिखाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो कैमरा से आप फोटो लो जिस चीज़ को आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, या आपके पास पहले से वो इमेज फाइल होनी चाहिए। तो मैं फ़ोटोज में जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पहले हैंड रिटन नोट्स का दिखा देता हूँ। तो पहले हम इसे रोटेट कर लेते हैं। नाउ जितना भी एरिया आपको चाहिए वो एरिया कवर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना। वो ऑटोमेटिकली विद द यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब ये इंटरनेट यूज करेगा, उसके बाद आपके जो भी स्कैन फाइल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है अगर आपके इमेज में टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा है तो, और हैंड रिटन नोट्स में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसे समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नाउ ये जो है हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, और इसने ईच जो है ना लाइंस को, एक एक लाइन को पूरा रीड किया है, और उसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ इसमें गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, राइट। जो भी आपको लगता है गलत उसको एडिट करके सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद आपका जो भी टेक्स्ट था टोटल को भी एक जगह यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रीमियम एक्सेस नहीं है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर दबाएंगे, आपके पास वो प्रीमियम एक्सेस का प्लान होना चाहिए जो 30-50 रुपीज़ का है। अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप इसे फ्री में यूज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए नहीं बनी है। इसके लिए आप गूगल की तरफ मोड़ सकते हैं। मैंने जो अदर दो एप्लीकेशन बताई है वो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप ओकेजनली यूज करते हैं तो। अब दूसरा मैं जो है एक नॉर्मल फाइल, जो भी एक डॉक्यूमेंट फाइल है, उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एक है पेपर का प्रिंट हो गया। अब आप इसको क्या करना है, आपको कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेना। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट क्लिक किया। तो थोड़ा टाइम लेता है, इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच लाइन को इन्होंने बहुत अच्छे से रीड किया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ थोड़े बहुत एरर है तो आप इसे यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अपडेट होता है अगर आपकी फाइल एक डॉक्यूमेंट फाइल है तो। अब हम इसको ट्राई करते हैं अपने जो भी है हिंदी हैंड रिटन नोट्स के लिए। तो इसे डन क्लिक करते हैं। नाउ हम जाते हैं अगेन बैक, यहाँ पर प्लस दबाते हैं। यहाँ पर अगेन आप कोई फ़ोटो है जो कि हिंदी में, हैंड राइटिंग हिंदी में होनी चाहिए, वो लिखा हो। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मेरे पास एक हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स है। इसे हम क्या करते हैं, पहले रोटेट करके सीधा कर लेते हैं। नाउ
अब इसमें एक एरिया सेलेक्ट करना है, मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट क्लिक किया। तो भैया यहाँ पर इस ऐप का दिमाग घूम गया, तो मतलब इसमें है कि आप इसमें हिंदी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो, इसमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट नहीं मिलता है। इंग्लिश बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है, बट हिंदी की बात जहाँ तक आती है तो इसमें ये ऐप पूरी तरह फेल है। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? क्या मेथड आपके लिए बढ़िया से काम कर रहा है, कौन सा मेथड नहीं काम कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है इन वीडियो के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगेन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।